हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट चैनल। गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट नंबर 11। 1 से लेकर 10 तक सारे पार्ट्स हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उनका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस सीरीज इज बेसिकली फोकसेस ऑन द एसबीआई क्लरिकल 2021 एग्जामिनेशंस, लेकिन अदर बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए भी ये जो सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टोटल 1000 एमसीक्यू सीरीज को हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें 200 एमसीक्यू सीरीज को अभी तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। इन सारे वीडियोस के जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से लर्निंग स्पॉट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टरिंग मींस, फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल में ये है कि एक हमारे पास यहाँ पर एक ए पर्सन है और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर बी पर्सन। मान लीजिए ए पर्सन बी पर्सन से कुछ सामान उधार लेता है, ठीक है, मान लीजिए इसने स्टील खरीदी इससे और इसको कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे लौटा दूंगा, और इससे एक यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर जनरेट कर लिया इसने, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, बी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई पैसे की। बी ने कहा नहीं, आपने 2 महीने बोला था 2 महीने बाद दोगे, लेकिन अब मुझे 1 महीने बाद ही पैसे चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, और इसने कहा कि भाई मुझे मान लीजिए 1000 रुपए देने थे इसको वापस, लेट अस कंसीडर 1000 रुपए वापस देने थे, तो उसने कहा कि आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और इसको पैसे दे दो, ठीक है, इस बी को पैसे दे दो क्योंकि इसको अभी जरूरत है, और मैं आप मुझे 900 रुपए दे देना, ठीक है। मतलब यहाँ पर 1000 की जगह ये 1100 रुपए पे कर देगा इसको। तो एसबीआई क्या करेगा कि ए से बाद में पैसे ले लेगा, ए से बाद में पैसे ले लेगा, अभी अपनी पॉकेट से पैसे दे देगा इसको, ठीक है, अभी इसको अपनी पॉकेट से 1000 रुपए पे कर देगा बी को, क्योंकि इसको जरूरत पड़ गई थी। लेकिन 2 महीने बाद ये क्या करेगा, इससे 1000 रुपए ले रहे थे, 1000 नहीं लेगा 1100 ले लेगा, ठीक है। तो एसबीआई यहाँ पर बन गया फैक्टर, एसबीआई क्या बन गया है यहाँ पर, फैक्टर, और इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो बैक जाके जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा पहला वाला है, अ मींस ऑफ फाइनेंसिंग ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय टेकिंग ओवर देयर रिसीवेबल्स। यहाँ पर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था वो हमारा रिसीवेबल्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉस द चेक इज, ठीक है, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग, 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस बना दीजिए, आपका चेक सेफेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस के बारे में हम लोगों ने 9th नंबर पार्ट में पूरे डिटेल में डिस्कस किया, तो एक बार वहां जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है हमारे पास, ग्रीनलैंड्स बैंक जो है हमारे यहाँ पर, उसने सबसे पहले भारत में मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर आपने स्कैम 1992 देखी हो तो इस बैंक की चर्चा वहां पर जरूर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड एज ऑन 19 जुलाई 1969। तो 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक्स नेशनलाइज्ड हो गए थे, तो याद रखिए इसका जो आंसर है गाइस हमारे पास वो है 14 बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन ओपन वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, ठीक है, तो NRA नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स कौन ओपन करा सकता है हमारे भारत देश में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसा पर्सन जिसके पास भारत की नागरिकता है या फिर वो भारत के बाहर रह रहा है ऐसा खुलवा सकता है, ठीक है। पर्सन ऑफ फॉरन नेशनलिटी और ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये भी खुलवा सकता है। फर्म्स कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, भारत की ही है लेकिन वो भारत के बाहर व्यापार कर रही है, तो ऐसी फर्म्स भी नॉन रेसिडेंट अकाउंट खुलवा सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, GATT, GATT स्टैंड्स फॉर द, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड, ठीक है, एक प्रकार का दो देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है टैरिफ और ट्रेड के। टैरिफ का मतलब होता है कितना टैक्सेशन लगाया जाएगा उन प्रोडक्ट के ऊपर और व्यापार किस प्रकार से स्मूथली किया जाएगा, तो GATT एग्रीमेंट बहुत जरूरी है दो देशों के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, फ्री ट्रेड रिफर्स टू, फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो टोल फ्री ड्यूटी इज द मीनिंग ऑफ द फ्री ट्रेड, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा दो देशों के बीच के व्यापार में। नेक्स्ट है इन्वेंटर ऑफ एटीएम, बहुत आउटडेटेड सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया गया था बैंक में, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ द एटीएम, इसका आंसर है जॉन एड्रियन सेफर्ड बैरॉन, ब्रिटिश देश के नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, FCNR अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, FCNR जो अकाउंट होते हैं उनको किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, तो उनको टर्म डिपॉजिट्स अकाउंट के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें रिकरिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड नहीं होती, यानी आरडीज नहीं होती, यानी आप मंथली पेमेंट यहां पर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रेडिंग रेगुलेशंस ऑफ द GATT,
अभी मैंने बताया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका गठन कब हुआ था इसके ट्रेडिंग रेगुलेशंस का, तो इसका आंसर है हमारे पास 1947 और 1994 को उसको अमेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच एक्ट डज आरबीआई इशू डायरेक्टिव टू द बैंक्स, बैंकों को निर्देश किस एक्ट के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, तो इसका आंसर जो है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोगन ऑफ द इलाहाबाद बैंक, जो कि अभी इंडियन बैंक में क्या हो चुका है, मर्ज हो चुका है, सबसे पुराना बैंक है भारत का, ये भी याद रख सकते हैं। तो स्लोगन ऑफ द इलाहाबाद बैंक क्या है हमारे पास यहाँ पर, ट्रेडिशन ऑफ द ट्रस्ट, विश्वास ही परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश इन इंडिया वाज, भारत में जो पहला बैंक एस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा था, तो याद रखिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से याद रख सकते हैं आप लोग पहला बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंडिकेट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन डैश इन उडुपी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो उडुपी में है, ठीक है, उडुपी कर्नाटक में है एक डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर पूछा गया सिंडिकेट बैंक का गठन कब हुआ था, तो याद रखिए 1925 में सिंडिकेट बैंक का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिप्स, ट्रिप्स में जो आई है वो किस चीज को इंडिकेट करता है, तो ट्रिप्स में गाइस जो आई है वो इंटेलेक्चुअल को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1950 विद द अमालगेशन ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ पर कोमिला बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कोमिला यूनियन बैंक लिमिटेड और हुगली बैंक लिमिटेड, क्योंकि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में ही है, इसलिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप सारे जो बैंक है वेस्ट बंगाल के ही बैंक है, इन सारे बैंकों का अमालगेशन करके ही यूनियन बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबोर का फुल फॉर्म बताइए, तो लिबोर का फुल फॉर्म जो होता है हमारा पास वो है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है, और इसी तरह से एक होता है माइबॉर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विजया बैंक इज अ डैश साइज पब्लिक सेक्टर बैंक विद प्रेजेंस अक्रॉस द इंडिया, तो विजया बैंक एक मीडियम साइज बैंक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशन वाज आरबीआई एस्टेब्लिश, आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को गठन किया गया था, याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969 को, 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो ये आंसर शीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए ये सारे 20 क्वेश्चंस। लर्निंग स्पॉट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए गाइस, वहां पर आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल मिलना है, हो रहे हैं वहां पर, और साथ ही साथ क्वांट रीजनिंग वोकैब और करंट अफेयर्स की क्विजेस भी हम लोग डेली कंडक्ट कराते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ये वीडियोस और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।